नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया है। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब वो 15 दिनों का था, उसी वक्त उसे छोड़कर वो आईपीएल खेलने के लिए निकल गए थे और जब लौटेंगे तो 4 महीनों का हो गया रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच के बाद हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान कई बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी, साथ ही अपने बेटे अगस्त्य को याद करते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने घर छोड़ा था तो वो 15 दिनों का था, जब मैं लौटूंगा तो मेरा बेटा 4 महीनों का हो चुका होगा। मेरे लिए चीजें बदल गई है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए हुआ है। अगस्त्य का जन्म मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल है। गौर हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच में हार्दिक पांड्या ने 90 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 76 गेंदों का सामना भी किया। बतौर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने मुश्किल परिस्थिति में खूब रन बनाकर सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर वो क्यों गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। पांड्या ने कहा, मैं अपनी गेंदबाजी में 100% देना चाहता हूं। मैं उस रफ्तार से गेंदबाजी करना चाहता हूं जो इंटरनेशनल लेवल के लिए जरूरी हो। आईसीसी T20 विश्व कप के लिए 10 महीने बचे हैं और पांड्या ने संकेत दिया कि वो लंबे लक्ष्य और बड़े टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी शुरू करना चाहते हैं। पांड्या ने कहा, हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। हम T20 विश्व कप और अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के बारे में सोच रहे हैं जहां मेरी गेंदबाजी ज्यादा अहम होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हार मिलने के बाद पांड्या ने कहा, जब आप 375 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हो तो हर किसी को जज्बे के साथ खेलना चाहिए। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ज्यादा प्लान नहीं बना सकते हो। अब भारत का दूसरा वनडे मैच सिडनी में ही खेला जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।